हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि स्पेशल पॉप्स रेसिपी। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चटनी मसाला पॉप्स। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं आधा किलो उबले हुए आलू। जब आलू थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो उनका हम छिलका उतार देंगे और इन्हें मोटे वाले ग्रेटर में हमें ग्रेट कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से ग्रेट करना है। अगर कोई मोटा हिस्सा बीच में से टूट के गिर जाए तो आप उसे भी हाथ से अच्छे से मैश कर लीजिएगा या अगेन उसे ग्रेट कर लीजिएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ली है आधी कटोरी मूँगफली और उन्हें हमें रोस्ट कर लेना है। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर रहे हैं जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी होके मूँगफली का छिलका अलग ना होने लगे। और जैसे ही मूँगफली का छिलका अलग होने लगेगा हम गैस को कर देंगे बंद और दो मिनट के लिए इसे गैस पे ही छोड़ देंगे, यानी कढ़ाई में ही छोड़ देंगे, जिस वजह से ये अच्छे से और क्रिस्पी हो जाएंगी। चलिए, हमारा इस पे से छिलका उतरने लगा है, ये हमारी अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं और इन्हें मैं गैस बंद करके दो मिनट ऐसी छोड़ दूँगी। और दो मिनट बाद इनका छिलका उतार के हम इन्हें निकाल लेंगे। साथ में यहाँ पर हम धनिया, हरी मिर्च और एक छोटा सा पीस ले रहे हैं अदरक का। और आप देख सकते हैं मूंगफली के छिलके भी हमने उतार के अलग कर दिए हैं। अब सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं हमारा चटनी मसाला, जिसके लिए मैंने अदरक के छोटे पीस करके और हरी मिर्च को भी छोटा कट करके मिक्सी जार में डाल दिया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हमारा धनिया पत्ता और साथ में ही जो हमने मूँगफली को छिलका उतार के रखा था उन्हें हम इसमें डाल देंगे। और जितना कम पानी हो सके उतने कम पानी के साथ हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने इसे बिना पानी के एक बार इस तरह से चला लिया था। अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे हमें चटनी नहीं बनानी, हमें यहाँ पे केवल चटनी मसाला बनाना है, इसलिए यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा पानी यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं एक बड़ी चम्मच पानी मैंने यहाँ पे लिया है। आप अपने क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग और मिक्सी जार के ब्लेड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार है, बिल्कुल स्मूथली हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट हमें बनके मिल गया है। अब हमें इसे निकाल लेना है और मिक्स कर देना है हमारे आलू के साथ जो हमने ग्रेट करके रखे हैं उनके साथ हम इन्हें मिक्स कर देंगे। साथ में डालेंगे थोड़े से मसाले। मसालों में यहाँ पर हम ले रहे हैं एक चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, साथ में हम यहाँ ले रहे हैं काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक, उन्हें भी हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़ा सा नींबू का रस, करीब आधा छोटा नींबू मैंने यहाँ पे डाला है। आप नींबू का रस की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप कितना खट्टा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से, जिससे कि सारे मसाले और हमारा चटनी मसाला आलू के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने सारे मसाले को मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पॉली बैग, इस तरह का पॉली बैग है ये, और इसे हमें साइड में से कट करना है। पर उससे पहले हम हमारा सारा पेस्ट इसके अंदर फिल कर लेंगे और एक कोन बनाते हुए हम इसे कट करेंगे। पहले इसे फिल करने के बाद हम लगा लेंगे एक रबर, जिससे कि हमारे पॉप्स बनाने में हमें आसानी हो। ये पॉप्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और आप इन्हें मॉर्निंग में फास्ट के टाइम पे चाय के साथ एज अ स्नैक्स बना के खा सकते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं हमने अपनी पॉली बैग भर लिया है और इसे हमें ऊपर से इस तरह से पकड़ते हुए एक रबड़ से हम इसे बंद कर देंगे और बिल्कुल प्रॉपर कोन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मूंगफली का टेस्ट कम पसंद आता हो तो यहाँ पे आप मूंगफली अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मल अच्छा चटपटा सा चटनी मसाला धनिया से ही बना सकते हैं और मूंगफली की जगह इसके साथ बेस क्रिएट करने के लिए आप कुट्टू, सिंगाड़े का आटा या नॉर्मली राजगिरी चावल का आटा कुछ भी ले सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ पर आप साबुत दाने को अच्छे से वॉश करके उसे पीस के भी ले सकते हैं। चलिए, हमने तेल गरम कर लिया था और मैंने हमारे कोन में से भी साइड में से एक छोटा सा कट लगा लिया है। कट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा कर सकते हैं। जब तेल आपका अच्छा गर्म हो जाएगा तो गैस को करेंगे हम मीडियम फ्लेम पे, इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे और इस तरह से हम इन्हें कट करते हुए इसमें डालते रहेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे खिले खिले बन रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे। बस इसी तरह से हमें हमारे सारे पॉप्स को कट कर लेना है। आप इसे चाकू से या सीजर से किसी से भी आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किचन सीजर का यूज़ करा है और उसी से मैंने इसे कट करते हुए इस तरह से इसमें डाल दिए हैं। मैं अगेन आपको बता दूं कि आप इन्हें छोटे या बड़े या थोड़े पतले या मोटे किस तरह से भी इन्हें कट करके बना सकते हैं। बहुत ईजिली झटपट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हमें इन्हें जब तक तलना है जब तक कि अच्छे से ही हमारे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं हमारे
कुछ पॉप्स गोल्डन ब्राउन हो गए हैं इस तरह से, और जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें गैस पे से उतार लेंगे। बस इसी तरह से हमें हमारे सारे पॉप्स बना के तैयार कर लेने हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन करके हम उतार लेंगे। इन्हें आप दही के साथ, चाय के साथ, या नॉर्मली इन्हें आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। चलिए, हमारे सारे पॉप्स बन के तैयार हो गए हैं। इन्हें हमने उतार लिया है सर्विंग बाउल में, जो अगर आप बनाएंगे इन्हें थोड़ा मोटा तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, और अगर आप इन्हें थोड़ा छोटा और पतला बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी ये बनकर आएंगे बिल्कुल अंदर तक। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की महाशिवरात्रि स्पेशल रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।